friends, let's see the next question. Question number 6. For an isotropic radiator, electric field intensity at a distance R is measured as 3 volt per meter. What will be the electric field intensity at a distance 3R? तो बेसिकली जो आइसोट्रॉपिक रेडिएटर और आइसोट्रॉपिक एंटीना की बात कर सकते हैं, तो उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, जिसमें से कि जो जे बीटा बाई आर मतलब 1/r जो फैक्टर होता है वो डोमिनेटिंग होता है. ये पर्टिकुलर ई थीटा कॉम्पोनेंट है उसका, स्फेरिकल कॉम्पोनेंट हम सारे निकालते हैं तो ई थीटा कॉम्पोनेंट ही है ये, और जो ई आर और ई फाई कॉम्पोनेंट है वो ऑलरेडी बहुत कम होते हैं. ई फाई विल बी जीरो एंड ई आर विल बी समथिंग 1/r² रेशियो. तो हम लोगों को बस इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, और इसमें भी ओनली 1/r जो पार्ट है दैट विल बी इफेक्टिव फॉर द फार फील्ड. अगर हम फार फील्ड की बात करें मतलब जहां पर एंटीना रखा हुआ है उससे कुछ पर्टिकुलर दूर डिस्टेंस पे बात करें तो फॉर दैट केस 1/r विल बी डोमिनेटिंग एंड रेस्ट विल बी नेग्लेक्टेड. तो इससे यहां से ये क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब जो डिस्टेंस है जो भी एंटीना से हमारा जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है ये. तो इस केस में हमारे पास गिवन क्या है कि फॉर एन आइसोट्रॉपिक रेडिएटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर इज मेजर्ड एज 3 वोल्ट पर मीटर. मतलब किसी पॉइंट आर इक्वल्स व्हेन आर इक्वल्स टू आर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 3 वोल्ट पर मीटर. हम लोगों को फाइंड आउट करना है आर इक्वल्स टू 3R पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेसिप्रोकल, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E2 की बात की जाए तो E2 upon E1 will be equal to R1 upon R2. R1 means R upon 3R. तो E2 upon E1, E2 हम लोगों को फाइंड आउट करना है, upon E1 is 3 and this is R upon 3R. R upon 3R. तो ओवरऑल अगर E2 की वैल्यू की बात की जाए तो E2 will be equal to 3 upon 3, that is 1 volt per meter. तो 1 volt per meter हमारा ये आंसर हो जाएगा.